ढोला मारूरा दुहा, यह कि हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में लिखा गया एक लोक भाषा काव्य है। मूलतः दोहे में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाया जाड़कर विस्तार दिया। कुशल लाभ कवि ने इसे लिखा हुआ माना जाता है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। ढोला मारुरु की कथा राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा है। इस लोक कथा की लोकप्रियता का अनुमान हम अच्छी तरह जानते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पोंगल देश के राजा अपने यहाँ अकाल पड़ने पर नरवर राज्य आता है। वहाँ अपनी बेटी मारू का विवाह वह नरवर के राजकुमार ढोला से पक्का करता है। और उस समय ढोला और मारू की उम्र 3 साल रही है। ढोला की 3 साल और मारू की 1.5 साल ही थी। जब सुकाल आया, अकाल चला गया, सुकाल आने आया, तो पोंगल के राजा से परिवार अपने घर लौट जाते हैं। कई साल बीत जाते हैं और ढोला बचपन के विवाह को भूल जाता है। बड़ा जब ढोला बड़ा हो जाता है तो उसका मालवणी नाम की स्त्री से विवाह हो जाता है। मालवणी को अपनी सौतन मारू और उसकी सुंदरता का किस्सा अच्छी तरह मालूम था, इसलिए वह पोंगल से आया कोई भी संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने देती। उधर मारू एक रात सपने में ढोला को देखती है। उसके बाद उसके जी को चैन नहीं मिलता। मारू की यह हालत देखकर पोंगल के का एक राजा चतुर गायक को नरवर भेजता है। हमारे जो कोर्स में दोहे हैं उसमें उसी मारवणी के संदेश को संकलित किया गया है। गायक गाने के बहाने ढोला मारू तक पहुंचता है और गीतों में पोंगल और मारू का नाम सुनते ही ढोला को अपने पूर्व विवाह की याद आ जाती है। ढोला मारू से बेचैन उठता है मगर मालूनी उसे किस तरह बहाने रोकती है। एक दिन ढोला मारू से मिलने के लिए तेज ऊंट पर सवार होकर निकल पड़ता है। मारू ढोला को देख झूम उठती है। जब वह मारू को लेकर नरवर लौटता है तो रास्ते में खलनायक उमर सुमरा मारू को छीनने की चाल भी चलता है, लेकिन उमर सुमरा घोड़े पर बैठकर उनका पीछा करता है। लेकिन हवा की रफ्तार से ऊंट दौड़ाता दौड़ाता ढोला कहाँ उसके हाथ आने वाला था, वह वहां से निकल जाता है और वह नरवर प्रदेश जाकर अपनी पत्नी मालवणी को भी मना लेता है। फिर ढोला मारू और मालवणी दोनों के साथ खुशी खुशी रहता है। यहाँ पर जो दोहे संकलित हैं उसमें मालवणी का संदेश है। वह कहती है, ढाढ़ी जय साहे मिली यूं दाखविया जाए, जोबन कमल विकसु भमर न बैसे आए। हे ढाढ़ी, हे संदेश वाहक, मेरा एक संदेश है। वह ढोला से जाकर कह देना। क्या संदेश है? ढाढ़ी जय साहेब मिली यूं दाखविया जाए, जोबन कमल विकासु भमर न बैसे आए। हे संदेश वाहक, यदि मेरे साहब मेरे स्वामी मुझसे मिलते हैं तो उनसे जाकर ये कह देना, जोबन कमल, यौवन रूपी कमल, रूपक अलंकार का प्रयोग है, यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है, भ्रमर ने बैसे आए, आप भ्रमर बनकर इस पर बैठने क्यों नहीं आते हो। यहाँ ढोला को भ्रमर की उपमा दी गई है। प्रस्तुत दोहे में उपमा एवं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ढाढ़ी एक संदेश ढोले लगी लई जाए, जोबन चापू मयूरी कड़ी ने चुट्टे आए। हे संदेश वाहक, मेरा एक संदेश है, वो आप मेरे ढोला को अच्छी तरह पहचान कर उनके गले लगकर मेरा जाकर संदेश कह देना, जोबन चापू मौरी कली ने चुट्टे आए, कि मेरा यौवन चंपा के पुष्प के समान पूरी तरह खिल गया है, आप इसकी कलियों को चुनने क्यों नहीं आते हो। यहाँ पर भी यौवन में चंपा पुष्प का आरोप है तो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार का बहुत अच्छा सुंदर प्रयोग है कवि कुशल लाभ के द्वारा। अब हम तीसरे दोहे की तरफ जाते हैं। ढाढ़ी एक संदेश डहु ढोलई लगी लई जाए, कण पाको कृष्ण हुई भोग लियो घरे आए। ढाढ़ी एक संदेश है,
मेरे ढोला को अच्छी तरह पहचान कर उनके गले लगकर अच्छे से मेरा उनको संदेश कह देना, कण पाकू अन्न पक गया है, कृष्ण हूँ कृषि हो गई है, अब अन्न को खेतों से बाहर भी कर लिया गया है, उनके दाने से बाहर लाकर कृषि कर लिया गया है, खाने योग्य हो गया है, भोग लियो गिराए, अब उसका भोग करने के लिए घर आ जाइए। मारवणी यहाँ ये संदेश देना चाहती है कि आप घर आ जाओ, क्योंकि अब आपको कोई मेहनत का काम जो है कृषि का वो सब तो कर लिया गया है, अब आपको केवल भोग करना है। तो इसका भी यहाँ पर वो कहती है। ढाढ़ी एक संदेश डो ढोले लगी लग जाए, जोबन फट्टी तलावड़ी पाली न बांधे आओ। हे ढाढ़ी मेरा एक संदेश है, मेरे ढोला को अच्छी तरह पहचान कर कह देना, अच्छी तरह पहचान कर कह देना, जोबन फट्टी तलावड़ी पाली न बांधे आओ। मेरा यौवन उस उफनते हुए तालाब की है जिस पर पाल बांधना जरूरी है, वरना यह यौवन फट जाएगा, इसलिए आपसे निविनती है इस पर पाल बांधने के लिए शीघ्रता से आ जाइए।